नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विपुल रंजन राय व्लॉग्स में। और आप देख सकते हैं मैं साइट पे हूँ और व्लॉगिंग भी मैंने आज साइट से ही स्टार्ट की है। और यहाँ पे हम CCTV कैमरे का वायरिंग कर रहे हैं और ऑडियो डोर लॉक चालू करेंगे, कैमरा चालू करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग वायरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा वायर है, हम इनको चार कैमरे लगेंगे तो चारों को एक ही में करके हम लोग वायरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि वायरिंग हो रही है और ये वायरिंग कर रहा है और यहाँ तक कैसे वायरिंग हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि CCTV कैमरे की प्रॉपर वायरिंग हो चुकी है और अब इसमें कनेक्टर्स लगाने बाकी हैं, वहाँ तक गई है वायरिंग। और एक जो वायरिंग है अब वहाँ पे गई है और दो बाहर, ये चार तार यहाँ पे कनेक्टर बनाएंगे अभी। दोस्तों मैं साइड से तो बहुत पहले आ चुका था और आप लोगों को पता ही होगा, और उसके बाद मैं कुछ काम कर रहा था उसमें बिजी हो गया था और अभी मेरे को जाना है CNG डलवाने गाड़ी में, तो मैंने सोचा कि वीडियो की क्लिपिंग बनाई जाए। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे को अभी जा रहा हूँ CNG डलवाने गाड़ी में। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सामने का व्यू है और अभी हम जा रहे हैं CNG पंप पे और वो जो काम है हमारा जो साइड पे चल रहा है वो अभी शायद आज भी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि 3-4 प्रोजेक्ट हैं, तो बारी बारी से एक एक करके निपटा रहे हैं धीरे धीरे करके। दोस्तों CNG पंप पे पहुंच चुका हूं गाड़ी में CNG डलवाने के लिए और यहां से निकलेंगे फिर देखते हैं कहां जाते हैं। दोस्तों अभी मेरे पास फोन आया था कि जहां पे मैंने ऑडियो डोर लॉक सिस्टम लगाया था इंटरकॉम सिस्टम, वहां पे कह रहे हैं कि गेट बंद नहीं हो रहा है। अब देखता हूँ क्या इशू है उसमें। मेरे को लग रहा है कि कस्टमर को गेट वेट बंद करना नहीं आ रहा ना खोलना आ रहा है, इस वजह से वो कंफ्यूज है। अभी जाके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों इस गली में अभी फ्लैट है तो यहाँ पे मैं अब पहुँच चुका हूँ, देखता हूँ कस्टमर कहाँ पे है। गाड़ी पार्क करता हूँ पहले, ये पे खड़ी कर देता हूँ। ये वाला फ्लैट है दिख रहा है, वो ये है। दोस्तों यहाँ पे मैं आया था, मैंने प्रॉब्लम भी देखा तो प्रॉब्लम कोई कुछ भी नहीं था, बस कस्टमर कंफ्यूज हो गया था कि खुलेगा कैसे बंद कैसे होगा, इसलिए मेरे को बुलाया था। और इतनी रात को देखो मेरे को बुलाया और हमारी सर्विस देखो, मैं पहुँच भी गया। तो अब चलते हैं घर की तरफ और कस्टमर को समझाना भी हमारा फर्ज बनता है, इसलिए मैं आ गया। मैंने कहा फिर आगे जाके कोई इशू ना हो, वो बेचारा तोड़ ताड़ ना दे लॉक लुक, तो मैं आ गया देखने के लिए। और वैसे कोई मेजर इशू था नहीं, उनको बंद करना नहीं आ रहा था, गेट की कैसे बंद होगा बस इसमें कंफ्यूजन थी उनकी, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों मैं घर पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं ऋतिक भी आ गया मेरे साथ। अब हम दोनों जा रहे हैं गोला डेयरी, कुछ काम है हमें तो वहाँ पे चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और अभी बीच में मैं एक पार्टी में भी गया था लेकिन वहाँ पे समय नहीं मिल पाया वीडियो का क्लिपिंग बनाने के लिए, इसलिए मैंने बनाया नहीं। और अब मैं खाना वाना खा चुका हूँ और खाना खा के ही आया था पार्टी में से, और अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपसे मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।